वेलकम टू क्रिकेटर्स। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लंबे लंबे छक्के कैसे लगाएं। टेनिस टूर्नामेंट का समय आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि लंबे लंबे छक्के कैसे लगाएं, क्योंकि टूर्नामेंट आ रहे हैं, आपको भी खेलने जाना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं लंबे लंबे छक्के लगाने के टिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आता है वो है ग्रिप। आप बैट को पकड़ते कहाँ से हो? बैट को अगर आपको पकड़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि बीच में पकड़ना। बहुत से खिलाड़ी ऊपर पकड़ते हैं, बहुत से खिलाड़ी नीचे पकड़ते हैं, लेकिन आपको एवरेजली बीच में पकड़ना है बैट को, ताकि आपको ग्रिप करने में अच्छी हो और आपकी जो बैट की स्विंग हो वो काफ़ी अच्छी आ सके। अगर आपको ग्रिप लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा कि सिंपली बैट को नीचे रखिए और आपको हाथ के हिसाब से जैसा भी मन कर रहा है वैसा उठा लेना है बैट को, और कोशिश करना है कि बीच में पकड़ने का। मैं आपको बता दूं कि बहुत से खिलाड़ी ऊपर जो पकड़ते हैं वैसे भी छक्के लगा देते हैं, नीचे पकड़ने वाले खिलाड़ी भी छक्का लगा देते हैं, लेकिन बहुत से खिलाड़ी बीच में पकड़ के भी लगाते हैं। तो मेनली आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि आपको बैट बीच में पकड़ना है। आपने कई खिलाड़ियों को ये भी देखा होगा कि बैट का ग्रिप दोनों हाथ उल्टा रहता है, फिर भी वो लंबे लंबे छक्के लगा पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू जो आता है वो है कि आपका लेग जब भी हम स्टांस में खड़े होते हैं तो ये लेग थोड़ा सा खुला रहना चाहिए। अभी भी आपने IPL मैचेस में देखा होगा कि प्लेयर थोड़ा सा खुल के खड़े हैं, क्योंकि उससे लंबी रीच मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपका पैर थोड़ा सा खुला रहेगा तो आप इधर वाली गेंदों को भी अच्छा स्विंग के साथ बाहर मार पाओगे। अगर ये पैर बंद रहेगा तो फिर यहाँ पे गेंदे में फंसने लगोगे आप। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैर का पोजीशन। अगर आपका पैर का अगर पोजीशन थोड़ा सा खुला हुआ है तो ये अगर बंद है तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा खोल के रखना है ताकि बैट स्विंग अच्छी से आ सके। बैट स्विंग जितनी अच्छी आएगी गेंद उतनी ही दूर जाएगी। अब बात करेंगे बैट फ्लो की। बहुत से खिलाड़ी जब बैट पकड़ते हैं तो कोई यहाँ नीचे पकड़ता है, कोई ऊपर पकड़ता है, कोई बीच में पकड़ता है। सबसे बेस्ट तरीका जो है बैट पकड़ने का वो है कि आप बीच में पकड़ो और थोड़ा सा ऊपर से पकड़ो, नीचे नहीं। झुक के रहोगे तो शॉर्ट गेंद अगर बॉलर फेंकेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए आपको बैट को एकदम बीच में रखना है, और ताकि आपका एक फ़ायदा जो इससे होने वाला है कि बैट की जो स्विंग होगी ये एकदम पीछे से आएगी और पूरा स्विंग खत्म होगा बैट में। और शॉट जब भी खेलो तो हाफ हर्टेड मत खेलो, पूरा शॉट खेलना है, ताकि आपको गेंद को अगर मारना है, आपने सोच लिया कि मारना है तो मुझे मारना है, फिर रुकना नहीं है बीच में। अभी बात करते हैं जो बैट स्विंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैट का स्विंग वो कितना ज़रूरी है। आपको बैट ऐसे चलाना है कि ये एकदम पूरा पीछे तक जाए, यानी कि 360 डिग्री जो हम लोग सुनते हैं EV Villiers को गेम जैसा है, उस तरह का बैट फ्लो आपका होना चाहिए कि अगर यहाँ से अगर शॉट में अगर चले गए हैं, आगे की गेंद है, तो पूरा वहाँ पे फिनिश होगा बैट। अगर यहाँ से बैट शुरू हुआ है तो ये जाते जाते पीछे तक जाएगा, तभी आप अपने शॉट में पूरा 100% दे पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी खेलते हो आपकी हिटिंग के वक्त सर बहुत ही स्थिर रहना चाहिए। आप ड्यूज बॉल क्रिकेट में भी देखते हो कि सर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर सर थोड़ा सा भी हिला तो बॉल सीधे हवा में जाएगी, इसीलिए सर एकदम स्टिल रहना चाहिए, ताकि आप गेंद को अगर हिट करो तो पूरी रेंज में गेंद हिट हो और लंबे लंबे छक्के जा सके। अब बात करेंगे शॉर्ट गेंदों की। शॉर्ट गेंद कैसे खेलना है टेनिस क्रिकेट में? आपने देखा होगा कि ड्यूज क्रिकेट में भी लंबे लंबे छक्के रोहित शर्मा लगाते हैं, तो उसका क्या सीक्रेट है कि लंबे लंबे छक्के आप टेनिस क्रिकेट में भी मार सको? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको अगर दिख रहा है कि टेनिस बॉल में अगर गेंद शॉर्ट पटकी जा रही है तो आपको थोड़ा सा एक कदम पीछे लेना है, ये वाला जो पैर है हल्का सा पीछे लेना है। और टेनिस क्रिकेट में जब बॉल आती है तो उठती है, राइज करती है, आपके ऊपर की तरफ आती है, तो आपको कोशिश करना है कि बॉल के नीचे आओ और फिर वहाँ से पूरा रीच जाए। कोशिश ये करनी है कि आपका जो ये हाथ है पुल मारते वक्त ऐसा बंद ना रहे, ये जो आप देख रहे हो हाथ ये बंद नहीं रहेगा, बंद रहेगा तो फिर वही हवा में जाएगा गेंद। आपको हाथ पूरा खोलना है ताकि पूरा फ्लो मिले गेंद में। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ कि ये हाथ बंद नहीं रह सकता है, ये पूरा खुलेगा ताकि पूरा फ्लो मिलेगा और लंबा फ्लो मिलेगा, ताकि गेंद लंबे लंबे छक्कों के लिए जाए। और लास्ट टिप बट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि अगर आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने अगर सोच लिया है कि मुझे गेंद को 6 मारना है तो फिर मारना है। अगर आपके स्लॉट में गेंद है तो आपको मारना है, ये नहीं सोचना कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, मारूं या नहीं मारूं, इस स्ट्रक्चर में आप आउट भी हो सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि अगर आप मार रहे हो तो पूरा 100% जाओ गेंद को मारने के लिए। उसके बाद ये मत देखो कि आप आउट होने वाले हो या क्या होने वाला है उस शॉट का, आप अगर सोच लिए हो तो आपको मारना ही है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो छक्के लगाने पे टेनिस बॉल क्रिकेट में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।